वेस्ट गारो हिल्स में मागुरमारी गांव का एक नाम है, जहां लगभग 300 से ज़्यादा फैमिली रहते हैं। इस गांव में 3 प्राइमरी स्कूल, 2 मिडिल स्कूल और 1 सेकेंडरी स्कूल है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो 3 प्राइमरी स्कूल है, वहां इतने बच्चे हैं कि बच्चों की बैठने की जगह नहीं है, और जो मिडिल स्कूल्स है वहाँ भी बच्चों की कमी नहीं है। लेकिन जब सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ लगभग बच्चा है ही नहीं। तो आइए देखते हैं इसका कारण क्या है। कौन क्लास पर जानते बस का क्लास 6 কত বছর হয় পড়াশোনা বাদ দিছ 2 বছর হয় কি জন্য বাদ দিলে जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत क्लास 7 तक छात्रों को किताबें और पढ़ाई की अन्य सामग्री मुफ्त में मिलती है, इसीलिए ज़्यादातर बच्चे क्लास 7 तक पढ़ाई करते हैं। इसके बाद जो लड़कियां हैं उसकी या तो घर में काम करती है या उसकी शादी हो जाती है, और जो लड़के हैं वो लोग घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए काम पे लग जाते हैं। हाई स्कूले এটা এনরোলমেন্ট কম হওয়ার একটাই কারণ যে আমাদের পরিবারটি আমাদের গার্জেনদের যে গরিবত্ব, এই গরিবত্বটাই সবচেয়ে আমি বেশি দায়ী মনে করি। কারণ এই স্টুডেন্টগুলো এমএ স্কুল থেকে যখন আরা এমএ স্কুল পাস করুক বা না করুক, একটু বড় হয় তখন এরা এদেরকে এগ্রিকালচারাল কামে খাটায় এবং এইভাবেই তারা স্কুল ছেড়ে দেয়। যদি পড়লে হয় তোমার কি হওয়ার আশা আছে পড়াশোনা করিয়ে? পড়াশোনা করলে হয়তো আশা আছে না তো চাকরিও করে ফেলবে। उस्मान गोनी की तरह और बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई करके घर की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। अगर सर्वशिक्षा अभियान की परिधि सेकेंडरी तक बढ़ाया जाए तो शायद इन बच्चों को हम बाल मजदूरी की जगह पढ़ाई करते हुए देख सकते हैं। मैं आलिया अख्तरा हरिडीगंज मेघालय से वीडियो वॉलंटियर्स इंडिया अनहट के लिए।